वय प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया नमस्कार इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है माल विक्रय अधिनियम मैं डॉक्टर मयें प्रताप सहायक प्राध्यापक विधि विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान के रूप में माल की परिभाषा और उसके प्रकार पर हम अध्ययन करेंगे इस व्याख्यान का प्रमुख उद्देश्य माल की संकल्पना को समझना माल के प्रकारों का अध्ययन माल के अर्थ एवं महत्व को समझना और यह जानने की कोशिश करना कि किस प्रकार की संपत्ति माल की परिभाषा के अंतर्गत आती है और कौन सी ऐसी संपत्ति है जो माल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है इस अध्ययन के अंतर्गत चूँकि हम विक्रय की संविदा का अध्ययन करेंगे इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बात को समझें कि माल का विक्रय की संविदा में क्या महत्व है तो इस व्याख्यान के अंत में हम इस बात में दक्ष हो जाएंगे कि हम माल के अर्थ को समझ जाएं, माल की परिभाषा को समझें माल का माल की विक्रय की संविदा के अंतर्गत क्या महत्व है इसी उद्देश्य को आगे लेते हुए हम इसकी प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं यद्यप कि माल विक्रय अधिनियम 1930 में आया परंतु एक जुलाई 1930 के पहले भी इससे संबंधित प्रावधान हमारी भारतीय संविधा अधिनियम अठारह में मौजूद थे उन्नीस तक विक्री एवं खरीद से संबंधित लेन देन की जो प्रावधान थे वो माल भारतीय अनुबंध अधिनियम अठारह में दिए हुए थे लेकिन 1930 में व्यापारिक लेन देन में बढ़ोतरी औद्योगिक क्रांति समुदाय की जरूरत को पूरा करने के लिए पारित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रगतिशील अंग्रेजी निर्णय आए उसके बाद यह महसूस किया गया कि हमें इस अधिनियम में बदलाव करना चाहिए चूंकि संशोधन इतने महत्वपूर्ण थे और न्यायिक निर्णय इतने समीचीन थे कि मात्र संशोधन द्वारा उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी इसलिए यह कोशिश की गई कि हम इस अध्याय अर्थात जो भारतीय संविदा अधिनियम है उसमें दिए गए प्रावधान धारा छिहत्तर से धारा एक के प्रावधानों को पूरी तरह निरसित करके नए कानून की तरफ बढ़े और इसी उद्देश्य से अठारह में जो अंग्रेजी माल विक्रय अधिनियम आया और उस समय के जो हालिया निर्णय आए उसको ध्यान में रखते हुए अध्याय सात को पूरी तरह निरसित कर दिया गया और एक अलग अधिनियम माल विक्रय अधिनियम एक जुलाई 1930 को लागू हुआ हमें यहां यह भी जानना चाहिए कि माल विक्रय अधिनियम के पहले यद्यप प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम अट्ठारह में थे लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अट्ठारह में भारतीय संविदा अधिनियम के आने के पहले माल विक्रय से संबंधित कोई प्रावधान नहीं थे यद्यपि कानूनी रूप से कोई प्रावधान नहीं थे लेकिन विक्रय से संबंधित हमारे पास जो व्यापारिक गतिविधियाँ थीं जो हमारी व्यापारिक प्रथाएँ थीं उसके अनुसार सभी विक्रय और लेन हुआ करते थे बाद में भारतीय संविधा अधिनियम आने के बाद भारतीय संविधा अधिनियम प्रभावी हुआ और 1930 में 1 जुलाई 1930 के बाद हम वर्तमान अधिनियम माल विक्रय अधिनियम की बात कर रहे हैं और आज हम जो भी विक्रय से लेन देन और विक्रय की संविधा की बात करते हैं यह सभी माल विक्रय अधिनियम उन्नीस से विनियमित होते हैं विक्रय की संविधा की परिभाषा जब हम माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत देखते हैं तो उसमें एक सूत्र वाक्य के रूप में हमें मिलता है कि माल और विक्रय अर्थात चूँकि यह विक्रय की संविदा है लेकिन विक्रय की संविदा में विक्रय किन चीज़ों का होगा ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें विक्रय करना है इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि माल या वस्तु ही ऐसी सब्जेक्ट मैटर या ऐसे विषय हो सकते हैं जिनको हम माल के रूप में विक्रय की संविधा में रख सकते हैं यद्यप कि अगर कोई भी वस्तु माल की परिभाषा में शामिल नहीं होती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत माल विक्रय के अंतर्गत इसमें हम माल के रूप में परिभाषा में शामिल न होने के कारण विक्रय की संविधा में उसे शामिल नहीं मानते हैं इसीलिए विक्रय की संविधा की जो विषय वस्तु है वह माल के रूप में सुनिश्चित की जा सके इसलिए धारा दो की उपधारा सात में एक व्यापक परिभाषा इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है और जब भी विक्रय का एक वैध अनुबंध होगा तो विक्रेता से खरीदार को माल में संपत्ति का हस्तांतरण आवश्यक रूप से होना चाहिए इसका तात्पर्य समान शब्दों में यह है कि जब भी विक्रय की संविधा होगी तो जिस वस्तु का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अर्थात विक्रेता से क्रेता को होगा वह एक तो माल के रूप में माल की परिभाषा के अंतर्गत माल होनी चाहिए और उस वस्तु का अंतरण मात्र कब्जे का अंतरण नहीं होता उस वस्तु के अंतरण में स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए इसीलिए कहा गया कि विक्रय के एक अनुबंध के तहत विक्रेता से खरीदार को माल में संपत्ति का हस्तांतरण आवश्यक रूप से होना ही चाहिए इसलिए जब माल को प्रारंभिक रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम में हम देखें तो उस पुराने अधिनियम में धारा छिहत्तर में इसको परिभाषित किया गया था लेकिन वह परिभाषा इतनी व्यापक थी कि उसमें कार्यवाही योग्य दावे जिसे हम अनुयोज्य दावा भी कहते हैं इसको भी शामिल कर लिया गया था फजल बनाम मंगलदास के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि माल की परिभाषा जो भारत में है जिसे हम आज देख रहे हैं वास्तव में अंग्रेजी कानून से कहीं अधिक व्याप है क्योंकि हमारी इस परिभाषा में माल के अंतर्गत शेयर शेयर प्रमाण पत्र के साथ साथ अनुयोज्य दावे भी शामिल है इसीलिए जब माल की विक्रय अधिनियम 1930 तैयार किया जाने लगा तो इसमें से कार्यवाही योग्य दावे या अनुयोज्य दावे और धन को बाहर करके इस परिभाषा को सीमित कर दिया गया लेकिन चल संपत्ति के सभी रूपों को इसमें शामिल कर दिया गया चल संपत्ति के सभी रूपों का अर्थ है कि वो चाहे मूर्त संपत्ति हो अथवा अमूर्त संपत्ति हो लेकिन यदि वे चल संपत्ति हैं तो माल विक्रय अधिनियम की धारा दो की उपधारा सात के अंतर्गत माल की परिभाषा में ऐसी चल संपत्ति शामिल होंगी अब इस प्रकार हम इस अधिनियम के हिसाब से आगे बढ़ें तो इस अधिनियम के अनुसार माल की परिभाषा को समझने के लिए हमें इस अधिनियम की धारा दो की उपधारा सात को स्पष्ट करना होगा इस अधिनियम में धारा दो की उपधारा सात में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि कार्रवाई योग्य दावे और धन के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति जिसमें स्टॉक शेयर बढ़ती फसलें घास जमीन से जुड़ी या उसका हिस्सा बनने वाली चीज़ें शामिल हैं जिन्हें बिक्री के पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत अलग करने पर सहमति हो जाए अर्थात स्पष्ट रूप से धारा दो की उपधारा सात में जितनी भी संपत्ति जिन्हें हम चल संपत्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं सबको शामिल कर लिया गया इसमें मूल रूप से स्टॉक और शेयर को भी शामिल कर लिया गया बढ़ती फसलें घास और ज़मीन से जुड़ी चीज़ों को भी शामिल किया गया और ऐसी सभी वस्तुएं जो जमीन का हिस्सा हैं लेकिन जब भी अनुबंध होगा तो अनुबंध के समय इस बात पर सहमति हो जानी चाहिए कि इस हिस्से को हम जमीन से अलग कर सकते हैं यदि ऐसी संपत्ति है तो उन्हें चल संपत्ति के रूप में मानते हुए हम माल की परिभाषा में शामिल करते हैं इस प्रकार माल को माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा दो की उपधारा सात के तहत जब परिभाषित किया गया तो इसमें स्टॉक इस शेयर फसल घास अलग करने योग्य वस्तुओं सहित हर प्रकार की चल संपत्ति को शामिल किया गया है अब यहाँ पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस अधिनियम में हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम कहते हैं माल के अंतर्गत सभी प्रकार की चल संपत्ति शामिल है लेकिन चल संपत्ति क्या होती है ऐसा इस अधिनियम में कहीं विस्तारित या परिभाषित नहीं किया गया है इसलिए इस खंड को समझने के लिए इसके अर्थ को समझने के लिए हमें सामान्य खंड अधिनियम अट्ठारह की धारा तीन की उपधारा छत्तीस और धारा तीन की उपधारा छब्बीस के तहत चल और अचल संपत्ति की परिभाषा को भी समझना होगा व्यापक रूप से जब हम इस परिभाषा को समझते हैं तो इस परिभाषा को हम दो भागों में बांट रहे हैं पहला कि माल की परिभाषा में क्या क्या शामिल हो रहा है और दूसरा माल की परिभाषा में क्या क्या शामिल नहीं हो रहा है प्रथम वर्गीकरण जब हम देखते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि माल की परिभाषा में क्या क्या शामिल है तो हर प्रकार की चल संपत्ति जिसमें स्टॉक, शेयर बढ़ती फसलें घास और ज़मीन से जुड़ी या उसका हिस्सा बनने वाली चीज़ें शामिल हैं जिन्हें बिक्री के पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत अलग करने पर सहमति होती है हम उसे चल संपत्ति के रूप में मानते हुए माल की परिभाषा में शामिल करते हैं और दूसरी तरफ माल की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है उसमें स्पष्ट रूप से धारा दो की उपधारा साथ में प्रावधान है कि कार्रवाई योग्य दावे अर्थात अनुयोज्य दावे और धन को छोड़कर इसका अर्थ है किसी भी प्रकार का अनुयोज्य दावा और धन माल की परिभाषा में शामिल नहीं होता है तो सामान्य रूप से हमें जो एक अंतिम निष्कर्ष के रूप में माल की परिभाषा निकल कर आती है उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि माल का अर्थ है सभी प्रकार की चल संपत्तियों का शामिल किया जाना लेकिन हमने पहले ही स्पष्ट किया कि चल संपत्ति क्या होती है इसकी व्याख्या या इसको परिभाषित रूप से कहीं भी इस अधिनियम में नहीं बताया गया है इसलिए इस शब्द को समझने के लिए हमें सामान्य खंड अधिनियम का सहारा लेना होगा जब सामान्य खंड अधिनियम अठारह की धारा तीन की उपधारा 36 में हम अचल संपत्ति को और चल संपत्ति की परिभाषा को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि धारा तीन की उपधारा 36 के अनुसार अचल संपत्ति को छोड़कर हर प्रकार की संपत्ति को इस शब्द में समाहित या परिभाषित किया गया है यानी स्पष्ट रूप से धारा तीन की उपधारा 36 यह कहती है कि अचल संपत्ति को छोड़कर जितनी भी प्रकार की संपत्ति है सभी चल संपत्ति के रूप में शामिल है पुनः प्रश्न उठता है कि अब यह अचल संपत्ति क्या है क्योंकि जब तक हम अचल संपत्ति को परिभाषित नहीं करेंगे हम चल संपत्ति को नहीं समझ सकते इसीलिए सामान्य खंड अधिनियम अट्ठारह की ही धारा तीन की उपधारा छब्बीस के तहत अचल संपत्ति की परिभाषा को हम देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस शब्द में भूमि या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी चीज़ें और भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं अब यहाँ पर दो तीन बातें जो हमें महत्वपूर्ण रूप से सूत्र के रूप में याद रखनी है कि चल संपत्ति क्या है और अचल संपत्ति क्या है इसकी परिभाषा को जब अलग अलग पढ़कर हम एक साथ समाहित करते हैं तो हमें मिलता है कि कोई भी संपत्ति जो चल या चलायमान प्रकृति की है वह चल संपत्ति के रूप में तो परिभाषित की जाती है चाहे वह भूमि का हिस्सा हो या नहीं हो और उसके रूप भी कुछ भी हो सकते हैं कुछ संपत्तियां मूर्त होती हैं कुछ अमूर्त होती हैं जैसे कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क यह सब संपत्ति के रूप में तो परिभाषित हैं लेकिन इनका कोई मूर्त रूप नहीं होता है बल्कि यह अमूर्त रूप में होती है परंतु यह भी चल संपत्ति में शामिल है इसलिए जब भी हम भारतीय सामान्य खंड अधिनियम और माल विक्रय अधिनियम को एक साथ पढ़ेंगे और माल को परिभाषित को करने की कोशिश करेंगे तब हम इस प्रकार की अमूर्त संपत्ति चाहे कॉपीराइट हो ट्रेडमार्क हो या पेटेंट हो इनको भी हम माल के अंतर्गत रखेंगे यहां दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कुछ संपत्तियां प्रारंभिक रूप से चल हो सकती हैं और बाद में समय के साथ उन्हें अचल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाएगा ऐसे में यदि ऐसी संपत्तियों को बेचने का करार हो तो क्या हम उन्हें चल संपत्ति माने या अचल संपत्ति माने क्योंकि माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत यह निश्चित है कि विषय वस्तु निश्चित रूप से माल होना चाहिए और माल के लिए निश्चित है कि ऐसी संपत्ति चल संपत्ति होनी चाहिए एक छोटे से उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए कि कोई खड़ा कास्ट या ऐसा पेड़ है जो जमीन पर है अब चूंकि भूमि या भूमि से जुड़ी हुई चीजें अचल संपत्ति हैं इसलिए जो जमीन पर जो पौधा लगा हुआ है या जो पेड़ या जो वृक्ष लगा हुआ है उसको हमको अचल संपत्ति के रूप में लेना होगा और अचल संपत्ति की तरह ही परिभाषित करना होगा जैसे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पर नाम ओरिएंटल पेपर मिल्स के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खड़े पेड़ का भी माल के रूप में विक्रय हो सकता है इसका क्या अर्थ है यदि कोई खड़ा पेड़ है इसका निश्चित रूप से वह जमीन से जुड़ा हुआ या भूमि से आबद्ध चीजें हैं जबकि हम धारा तीन की उपधारा 26 के तहत देखें तो अचल संपत्ति में कहा गया है कि भूमि या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी जो चीजें हैं उनको हम अचल संपत्ति के रूप में परिभाषित करेंगे तो हमें यह बात समझनी होगी कि कोई भी अचल संपत्ति भी चल संपत्ति के रूप में आ सकती है शर्त सिर्फ इतनी है कि जब भी अनुबंध किया जाए या विक्रय का करार किया जाए तो यह निश्चित कर लिया जाए कि उस स्थाई या उस अचल संपत्ति को हम विक्रय के पूर्व जमीन से अलग कर लेंगे अर्थात यहाँ जो पृथक करणिता है या अलग करने का जो बिंदु है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खड़े पेड़ का भी माल के रूप में विक्रय हो सकता है क्यों क्योंकि जब भी हम खड़े पेड़ के विक्रय की बात करेंगे निश्चित रूप से दोनों ही पक्ष अर्थात क्रेता और विक्रेता इस बात पर सहमत होंगे कि उस खड़े पेड़ को काटकर या उस वृक्ष को काटकर हमें जमीन से अलग कर लेना होगा और जब भी हम इसके विक्रय की बात करेंगे तो ज़मीन से काट कर अलग करने के बाद उसके कास्ट या उसके लकड़ी या विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसके अंतरण के लिए हम करार में आगे बढ़ते हैं एक इसका और छोटा सा उदाहरण हम समझने की कोशिश करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपना मकान बेचने की कोशिश करता है या एक विक्रेता किसी क्रेता से अपने मकान को बेचने का करार करता है मकान में आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी संपत्ति हैं जो हो सकता है मूल रूप से चल संपत्ति के रूप में हो लेकिन कालांतर में हम उन्हें अचल संपत्ति की परिभाषा में शामिल कर लेते हैं जैसे मकान में लगा हुआ दरवाजा मकान में लगी हुई खिड़कियाँ मकान में लगे हुए रोशनदान अब ऐसे में जब किसी मकान का विक्रय किया जाना है तो जरूरी तो नहीं कि उस मकान से सारी लकड़ियाँ उसके दरवाजे उसकी खिड़की उसके रोशनदान इनको हम अलग करके बेचें जब भी हम मकान के बेचने की बात करेंगे तो उस मकान से लगी उस भूमि से लगी सभी प्रकार की चीज़ें उस मकान से संलग्न होने के साथ अंतरण में विक्रेता से क्रेता को जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार जो मकान का विक्रय है वह क्या माल विक्रय की संविधा के अंतर्गत आएगा तो हमें यह जानना चाहिए कि जब भी अचल संपत्ति का विक्रय है या अचल संपत्ति का अंतरण है तो उसे हम प्रॉपर्टी एक्ट या संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरण के विषय के रूप में मानते हैं यानी कि जो मकान का अंतरण है मकान का विक्रय है वह माल विक्रय की संविधा के अंतर्गत ना होकर के संपत्ति अंतरण अधिनियम का विषय है ऐसे में सामान्य रूप से जब मकान का अंतरण अचल संपत्ति के रूप में होता है तो उस मकान के साथ साथ उसमें लगे खिड़की दरवाजे रोशनदान इत्यादि भी इसी सम इसी अधिनियम के अंतर्गत अंतर्ण होने चाहिए परंतु ऐसा भी हो सकता है कि हम बजाय उस पूरे मकान को बेचने के उस मकान में लगी खिड़की दरवाजे या रोशनदान का विक्रय करना चाहते हों तब यद्यप मकान में लगी दरवाजे मकान में लगी खिड़कियाँ या रोशनदान भूमि से जुड़ी या आबद्ध होने के कारण धारा तीन की उपधारा छब्बीस सामान्य खंड अधिनियम अठारह के अनुसार अचल संपत्ति है लेकिन यदि विक्रेता और क्रेता दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि हम इन खिड़कियों को इन दरवाजों को और इन रोशनदान को दीवालों से या मकान से अलग करके इनका मूल रूप से विक्रय करेंगे तब यह संपत्ति चल संपत्ति के रूप में हो जाएगी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत स्पष्ट परिभाषा है कि यद्यपि की कोई वस्तु जो भूमि से जुड़ी हो अचल हो सकती है लेकिन यदि विक्रेता और क्रेता यानी पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उनका अंतरण हम चल संपत्ति के रूप में करें और पृथक करणीयता के सिद्धांत के अनुसार हम उन्हें जमीन से अलग करके उनका विक्रय करें तो हम उसको चल संपत्ति के रूप में ही परिभाषित करेंगे और चल संपत्ति सभी प्रकार की चल संपत्ति सभी प्रकार के चरित्र की चल संपत्ति, मूर्त हो अमूर्त हो या किसी भी रूप में हो माल के विषय वस्तु के रूप में परिभाषित हैं और माल शब्द स्वयं संविदा अधिनियम और आज विक्रय अधिनियम के अंतर्गत विक्रय का भाग बनाती हैं इसी प्रकार अब हमको यह भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो माल शब्द के अंतर्गत नहीं आती हैं तो माल शब्द के अंतर्गत नहीं आने वाली जो द्वितीय श्रेणी की वस्तुएं हैं क्योंकि प्रथम श्रेणी में हमने स्पष्ट रूप से देखा कि सभी प्रकार की चल संपत्ति शेयर और स्टॉक इनको हम माल के शब्द की परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं और यह इस अधिनियम में विक्रय की संविधा का भाग बन सकते हैं दूसरी तरफ जिनका स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि माल के अंतर्गत नहीं आएंगे उनमें अनुयोज्य दावा और धन शामिल है तो अनुयोज्य दावा क्या है और क्यों हम इसको माल की विषय वस्तु या माल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखते हैं इसको समझने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम अनुयोज्य दावा की परिभाषा को देखें अनुयोज्य दावा की परिभाषा भी इस अधिनियम के अंतर्गत इसे कहीं परिभाषित या विस्तारित नहीं किया गया है मूल रूप से इसकी परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा तीन में दी गई है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा तीन अनुयोज्य योग्य दावे को परिभाषित करती है अनुयोज्य दावे से स्थावर संपत्ति स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आगमन या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण का या उस जंगम संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जा नहीं है जिसमें प्रद हित का ऐसा दावा अभिप्रेत है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार को प्रदान करने वाला मानता हो अर्थात चाहे ऐसा ऋण फायदा हित हो वर्तमान हो प्रौद्यमान हित सशर्त अथवा समाश्रित हित हो इस प्रकार अनुयोज्य दावा क्या होता है इसको सामान्य भाषा में हम इस प्रकार समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई भी दावा या कोई भी ऋण जो किसी भी प्रकार से सिक्योर्ड अथवा सुरक्षित ना हो इसीलिए इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है ऋण अर्थात ऐसा ऋण जिसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभूति नहीं दी गई है इस प्रकार अगर वह अचल संपत्ति है तो प्रतिभूति देने का तात्पर्य कि किसी अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार का बंधक नहीं है और यदि वह चल संपत्ति है तो चल संपत्ति को किसी भी प्रकार से गिरवी नहीं किया गया है इस प्रकार यदि कोई अप्रति ऋण है तो वह अनुयोज्य दावे में शामिल किया जा सकता है इसको सामान्य रूप से हम इस प्रकार समझने की कोशिश करें मान लीजिए सी पर डी का एक हजार रुपये का बकाया है तो अनुयोज्य दावे की परिभाषा के अनुसार जो डी का दावा है सी के ऊपर वह एक अनुयोज्य दावा हो सकता है परंतु इसी दृष्टांत में अगर हम यह देखें कि मान लीजिए सी का डी के ऊपर कोई एक हजार रुपए का बकाया है और उस एक हजार के बदले सी ने अपना मकान डी के पास बंधक रख दिया है अथवा उस एक हजार रुपए के लिए सी ने डी के पास अपनी कोई वस्तु गिरवी के रूप में रख दी है तब डी का जो सी से एक हजार प्राप्त करने का अधिकार या दावा है अब वह अनुयोज्य दावा नहीं रह जाता है क्योंकि अनुयोज्य दावे का स्पष्ट रूप है कि अनुयोज्य दावा आप ऋण के लिए ही होना चाहिए इस प्रकार सी पर डी का जो एक हजार रुपये का बकाया है वह अनुयोज्य दावा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसके लिए देखना होगा कि क्या यह एक हज़ार रुपये के बदले में कोई आड़मान गिरवी या बंधक रखा गया है अथवा नहीं इस प्रकार अनुयोज्य दावे को हम अन्य दृष्टांतों से समझने की कोशिश करें तो सभी प्रकार के आप्रतिभूत ऋण भविष्य में दे अगर कोई भरण पोषण भत्ता है अग्रिम राशि का दावा है या बैंक में सावधि जमा है ये सभी दावे एक प्रकार से अनुयोज्य दावे का भाग बनते हैं क्योंकि अनुयोज्य दावे से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा तीन में तथा इनको विनियमित करने के कानून संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 धारा 130 131 और 132 में पहले से मौजूद हैं इसलिए अनुयोज्य दावे के संबंध में कोई भी प्रावधान इस अधिनियम अर्थात माल विक्रय अधिनियम से विनिमय नहीं होता है और इसीलिए जब हम माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण करते हैं या माल का हस्तांतरण करते हैं तो अनुयोज्य दावे को माल की परिभाषा से अलग कर देते हैं इसलिए अब अंतिम रूप से हमें यह समझ लेना होगा कि माल में सभी प्रकार की चल संपत्तियाँ शामिल हैं सभी प्रकार के शेयर और स्टॉक शामिल हैं लेकिन अनुयोज्य दावा शामिल नहीं है और अनुयोज्य दावा शामिल नहीं है उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि अनुयोज्य दावे को अचल संपत्ति को विनियमित करने वाले जो प्रथम और प्रमुख भारतीय कानून संपत्ति अंतरण अधिनियम अठारह है इसी में धारा 3 130 131 और 132 में इससे संबंधित प्रावधान दे दिए गए हैं इसलिए अनुयोज्य दावे संपत्ति अंतरण अधिनियम से विनियमित होते हैं जबकि अनुयोज्य दावे को छोड़कर सभी प्रकार की जो चल संपत्तियां हैं वो जो संविदा अधिनियम अथवा माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत यदि वह माल की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ से विनियमित होंगे अनुयोज्य दावा को समझने के बाद हमारे विषय में हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें हम दृष्टांत रूप से समझने की कोशिश करते हैं और बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में यह वाद विवाद का विषय बना रहा कि क्या हम इन विषयों को माल की परिभाषा के अंतर्गत माने या ना माने विक्रय के अंतर्गत सभी प्रकार की चल संपत्तियां हैं तो इसका क्या मतलब कि सिर्फ इस कारण कि किसी वस्तु की प्रकृति चलायमान है अर्थात जिसे मानवीय जो भाव हैं या जो मानवीय वेग या जो मानवीय बल हैं वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम हटा सकते हैं या विस्थापित करते हैं तो सिर्फ एक इस चरित्र के कारण यह मान लेना उचित होगा कि यह चल संपत्ति हो गई और अगर चल संपत्ति हो गई तो यह माल विक्रय की परिभाषा के अंतर्गत आ गई उदाहरण के लिए हम इसमें कुछ छोटे छोटे विषयों को समझने की कोशिश करेंगे जैसे लॉटरी जिसे सामान्य रूप से हम लॉटरी टिकट के नाम से जानते हैं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ न्यायालय के सामने आया कि क्या लॉटरी टिकट चल संपत्ति की परिभाषा में या माल की परिभाषा में शामिल होंगे अथवा नहीं होंगे क्योंकि प्रथम रूप से सिर्फ चल संपत्ति की बात करें तो निश्चित रूप से लॉटरी टिकट एक कागज का टुकड़ा होता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया जाता है तो चल संपत्ति निश्चित रूप से है इसमें कोई संशय नहीं परंतु चल संपत्ति होने के कारण ही क्या यह माल विक्रय संविदा के अधिनियम के अंतर्गत माल की परिभाषा में शामिल है इसलिए हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या कहीं यह अनुयोज्य दावा की परिभाषा में तो शामिल नहीं है क्योंकि यदि लॉटरी टिकट अनुयोज्य दावा की परिभाषा में शामिल कर ली गई तो हम इसे माल की अंतर्गत संपत्ति या उसके विषय से हम अलग रखेंगे इसलिए सबसे पहले हम लॉटरी टिकट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं जब सामान्य रूप से आप एक शब्द को देखते हैं विशेषकर विधि के विद्यार्थी जब ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार इनको देखेंगे तो लॉटरी टिकट को कीमत के बदले पुरस्कार पाने का मौका के रूप में परिभाषित किया गया अर्थात लॉटरी का अर्थ है कि कुछ कीमत दे करके उसके बदले आपको एक मौका मिले जिसमें आप पुरस्कार पा सकते हैं अधिनियम के प्रयोजन के लिए लॉटरी टिकट स्पष्ट रूप से एक चल संपत्ति है परंतु बहस का विषय यह है, है कि क्या ये संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा तीन के तहत परिभाषित एक अनुयोज्य दावा तो नहीं क्योंकि यदि यह संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 3 के तहत एक कार्यवाही योग्य दावा घोषित की जाती है तो माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत माल से हमको इन्हें अलग करना होगा और यह विक्रय की संविदा की भाग नहीं हो सकते हैं यह मामला जब न्यायालय के समक्ष आया विशेष रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय ने एच अनराज बनाम टीएन सरकार के मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम लॉटरी के टिकट की बात करते हैं या लॉटरी की बात करते हैं तो उसमें मूल रूप से दो प्रकार के अधिकार आपको देखने को मिलते हैं पहला अधिकार ड्रा में भाग लेने का अधिकार और दूसरा पुरस्कार जीतने का अधिकार जो कि अवसर पर निर्भर करता है यानी न्यायालय का तर्क था कि जब कोई व्यक्ति लॉटरी टिकट खरीदता है तो अप्रत्याशित रूप से यह चाहता है कि हम उस लॉटरी टिकट को ख़रीदें यानी करार करते समय अनुबंध करते समय लॉटरी टिकट को खरीदते समय जो पहला अधिकार है वह की कीमत दिया और उसने लॉटरी का टिकट जो एक चल संपत्ति है उसको ले लिया लेकिन वह लॉटरी का टिकट फलीभूत होगा कि नहीं उसमें उसे कोई पुरस्कार मिलेगा या नहीं उसमें उसे पुरस्कार पाने का कुछ अवसर मिलेगा या नहीं यह नहीं कहा जा सकता लॉटरी टिकट खरीदने वाले सभी लोगों को पुरस्कार मिल जाए ये जरूरी नहीं या लॉटरी टिकट में ड्रॉ में जितने लोगों ने भाग लिया उन्हें पुरस्कार मिले यह भी आवश्यक नहीं इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसको दो अलग अलग अधिकार के रूप में देखते हैं पहला अधिकार है कि जब आपने पैसा दिया कीमत का भुगतान किया तो प्रथम अधिकार के रूप में आपको एक लॉटरी टिकट मिली जो निश्चित रूप से एक चल संपत्ति है लेकिन इसके साथ ही एक जो दूसरा अधिकार है कि उसको ड्रा में भाग लेने के बाद उसमें किसी इनाम या उसमें पुरस्कार जीतने का मौका यह एक अवसर है यानी यह अवसर पर निर्भर करता है जो अवसर सभी को नहीं मिलता अर्थात जितने लोगों ने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया या ड्रा में भाग लिया उनमें से कुछ लोगों को ऐसा अवसर मिलता है कि वह पुरस्कार पा सकते हैं और कुछ के भाग्य में शायद ऐसा अवसर नहीं आता कि उस पुरस्कार को प्राप्त कर सके इसलिए लॉटरी के टिकट खरीदने को दो मोटे मोटे अधिकारों में बांट दिया गया पहला ड्रा में भाग लेने का अधिकार और दूसरा पुरस्कार जीतने का अधिकार और जब पहले अधिकार जिसमें चल वस्तुओं का लाभकारी हित का अंतर था क्योंकि पहला अधिकार मैंने बताया कि पहला अधिकार है कि कीमत के बदले लॉटरी टिकट का खरीदा जाना और लॉटरी टिकट एक प्रकार के कागज का टुकड़ा है जो कि चल संपत्ति है यानी आपने कीमत दिया एक क्रेता के रूप में और बदले में विक्रेता ने आपको चल संपत्तियों का लाभकारी हित अंतरण कर दिया यानी कि अगर इसे विक्रय पूरा हो गया तो कीमत के बदले आपने चल संपत्ति को खरीद लिया इसका मतलब कि यहाँ पर माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत विक्रय हो गया लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो संविधान की धारा तीन संविधान के जो अनुच्छेद तीन हैं उसमें विशेष रूप से उनतीस ए और डी के तहत इसको बिक्री मान ली जाएगी लेकिन यह तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के अंतर्गत न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इसे बिक्री माना लेकिन हम जिस भारतीय संविदा अधिनियम और अब भारतीय अधिनियम के अंतर्गत माल विक्रय की संविदा की अधिनियम की बात कर रहे हैं क्या माल विक्रय की संविदा के अधिनियम के अंतर्गत भी हम लाटरी की खरीद फरोख को या लाटरी के विक्रय को हम सामान्य चल संपत्ति का विक्रय माने जब इस निर्णय को लागू किया गया तो बहुत अत्यधिक वेग अत्यधिक रूप से इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या हम इस पर कर देंगे क्योंकि विक्रय कर किसी भी आप जो इस समय जो जीएसटी और पहले इसके पहले जो विक्रय कर का प्रावधान था विक्रय कर होने के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था कि पहले कोई विक्रय हुआ हो यदि विक्रय हुआ है तो उस विक्रय पर उसके हिसाब से विक्रय कर लगता लेकिन विक्रय हुआ हो या ना हुआ हो यह कैसे तय होगा इसके लिए निश्चित है कि उस विक्रय की संविधा में जो संपत्ति का अंतरण हुआ हो वह माल में हुआ हो और माल के रूप में ये जरूरी है कि वह चल संपत्ति हो लेकिन चल संपत्ति की परिभाषा में अनुयुज्य दावे को शामिल

जो इस फैसले में जो पुराने फैसले को चुनौती दी गई थी अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि लॉटरी टिकट की बिक्री एक कार्यवाही योग्य दावा या अनुयोज्य दावा पर आधारित होता है क्योंकि न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया वह इस तर्क पर आधारित था कि जीतने के अधिकार और भाग लेने के अधिकार को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं कोई भी खरीदार जो ड्रा में भाग लेता है वह मात्र ड्रा में भाग लेने के लिए भुगतान नहीं करता है बल्कि भुगतान करता है जीतने के लिए अर्थात स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि जब कोई व्यक्ति लॉटरी खरीदता है तो वह सिर्फ इसलिए नहीं खरीदता है कि वह एक कागज का टुकड़ा ले रहा है और उसके बदले में मूल्य का भुगतान कर रहा है बल्कि उसके मस्तिष्क में यह आशय होता है कि यदि इस कागज के टुकड़े या लॉटरी को हमने खरीद लिया तो हो सकता है मुझे पुरस्कार पाने का एक अवसर मिल जाए इस प्रकार यह कहना निश्चित रूप से भ्रम पैदा करना है या यह कहना बिल्कुल रूप से तर्कसंगत नहीं लगता कि मात्र ड्रा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति ने पैसे को या कीमत के बदले एक लॉटरी या कागज का टुकड़ा खरीदा है बल्कि यह कहना उचित होगा कि जब भी कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीद रहा है तो उसके अंत मन में यह विश्वास है कि इस कागज के टुकड़े से मुझे पुरस्कार पाने का एक अवसर मिल जाएगा अर्थात जो प्रथम वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ड्रा में भाग लेने के अधिकार और अवसर पाने का जो अधिकार था उसमें जो विभक्त किया था इस निर्णय को सन राज एसोसिएट बनाम एनसीटी के दिल्ली सरकार में पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और एच अनराज केस द्वारा जो प्रेजेंटी में भाग लेने का अधिकार यानी वर्तमान में भाग लेने का अधिकार और फ्यूचरों में अधिकार फ्यूचरों में अधिकार का मतलब भविष्य में मौका मिलने का जो अधिकार या जीतने का अधिकार का वर्गीकरण था उसे स्पष्ट रूप से गलत कह दिया क्योंकि ये दोनों अधिकार भविष्य के हैं पहले उस फैसले को खारिज कर दिया गया और लॉटरी टिकट को माल की परिभाषा से बाहर इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेकर हम आगे चलते हैं बिजली या विद्युत बिजली या विद्युत को क्या हम माल की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं वस्तुओं की परिभाषा में अमूर्त ऊर्जा को शामिल करना अंग्रेजी कानून के अनुसार बिजली माल की परिभाषा में नहीं आती है लेकिन भारत में एसोसिएट पावर कंपनी बनाम आर टी राय कलकत्ता उच्च न्यायालय के मामले में न्यायालय ने यह माना कि संविधान के अनुच्छेद 366 के धारा 12 के साथ-साथ धारा 2 की उपधारा 7 के तहत यह माल की परिभाषा के दायरे में आती है इस प्रस्ताव की पुष्टि मद्रास उच्च न्यायालय ने भी एक मामले में की जहां विद्वान न्यायाधीश का मानना था कि बिजली या विद्युत माल की परिभाषा में शामिल है क्योंकि यह वितरण करने में सक्षम है इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ऊर्जा का मूर्त रूप है या अमूर्त रूप है और पहले भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके कि यदि कोई संपत्ति चल संपत्ति है तो वह किसी भी रूप में हो सकती है वह माल की परिभाषा के अंतर्गत आएगी इसीलिए भारत के विधि आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में प्रस्तावित किया कि बिजली और पानी को अधिनियम की धारा दो की उपधारा सात के तहत माल की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए एक और महत्वपूर्ण वाद जो इस विषय पर आता है बिक्री कर आयुक्त बना मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या विद्युत को हम माल की परिभाषा में रखें या ना रखें इसमें संशय मात्र इस बात से है कि हम इसको चल संपत्ति माने अथवा ना माने दूसरा इसे हम मूर्त माने अथवा अमूर्त माने न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यद्यपि यह अमूर्त है लेकिन किसी भी प्रकार की चल संपत्ति का कोई भी रूप चल संपत्ति का ही रूप होता है इसलिए हमें इस तर्क में पड़ने के बजाय इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या हम इसे चल संपत्ति के रूप में रख सकते हैं या मान सकते हैं अथवा नहीं और इसके यदि हम सामान्य चारित्रिक विशेषताओं को देखें तो हम यह मानते हैं कि विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण किया जा सकता है विद्युत को हम एक स्थान पर या एक विशेष स्थान पर हम इसको संरक्षण कर सकते हैं इसका संरक्षण कर सकते हैं विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज सकते हैं यानी कि इसकी जो प्रकृति है चलायमान प्रकृति की है इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं रह जाता कि इसमें हम इसकी मूर्त प्रकृति की बात कर रहे हैं अथवा अमूर्त प्रकृति की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो हमारा एक सामान्य सिद्धांत है कि जैसे हम लकड़ी के एक टुकड़े को अपने एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से कहीं और रख सकते हैं मात्र इस कारण कि हम विद्युत को अपने हाथ से उठा करके दूसरे जगह स्थानांतरण नहीं कर सकते इससे इसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसको भी हम एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं इसको हम एक जगह से दूसरी जगह वितरण कर सकते हैं और इसको भी एक भाग से दूसरे भाग पर हम कहीं भी अंतरण कर सकते हैं इस प्रकार अमूर्त संपत्ति होते हुए भी बिजली में चल संपत्ति की सभी चारित्रिक विशेषताएं विद्यमान हैं इसलिए विद्युत को भी चल संपत्ति के अंतर्गत रखना चाहिए और ऐसे में यदि अचल संपत्ति की परिभाषा में हम शामिल करते हैं तो इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि माल विक्रय अधिनियम में जब हम माल को परिभाषित करते हैं तो उसमें विद्युत को शामिल किया जाना चाहिए हाँ एक महत्वपूर्ण बात जो हमें यह ध्यान रखनी होगी कि हमारे विद्युत के वितरण के लिए विद्युत की चोरी के लिए चूंकि एक विशेष प्रकार का अधिनियम विद्युत अधिनियम भारत में विनियमित हो चुका है इसलिए इसको विनियमित करने के प्रावधान वहीं से लागू होंगे लेकिन प्रश्न जब सिर्फ इस बात पर है कि यह माल के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा तो निश्चित रूप से चल संपत्ति होने के कारण यह माल की परिभाषा में शामिल होता है इसी प्रकार जो वाद विवाद या बहस का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लेकर है क्या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम चल संपत्ति मान सकते हैं अथवा नहीं मान सकते हैं इस विषय पर टीसीएस बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीडी या फ्लॉपी ड्राइव एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर बिक्री कर लगाने के लिए एक अच्छा होगा क्योंकि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसमें निर्देशों या आदेशों का एक संग्रह होता है जो किसी दिए गए कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है अर्थात एक हार्डवेयर डिवाइस का अपना कोई उपयोग नहीं है जब तक कि इसमें एक सॉफ्टवेयर के साथ पूरक ना किया जाए और केवल आवश्यकता के कारण ही सॉफ्टवेयर के डिस्क या फ्लॉपी जैसे भौतिक माध्यम को इसमें शामिल किया गया है इसके अलावा यदि डिस्क बेची जाती है और प्रोग्राम में कोई खराबी होती है तो डिस्क निर्माता के खिलाफ भी प्रथम दृष्टया दायित्व होगा इस प्रकार उन्होंने माना यानी न्यायालय ने माना कि मूर्त डिस्क और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दोनों को माल की परिभाषा में शामिल किया जाएगा वास्तव में टी सी एस आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में यह बहुत लंबा बहस और विवाद का विषय रहा कि क्या कंप्यूटर प्रोग्राम को हम चल संपत्ति के रूप में माने या ना माने क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम को किसी अन्य वस्तु की तरह सामान्य मूर्त संपत्ति तो नहीं रखी जा सकती और कंप्यूटर प्रोग्राम में जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं या जो आई सेक्टर से जुड़े हुए विद्वान हैं उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कुछ नहीं होता सिवाय उन निर्देशों के उन आग्रह के या उन आदेशों के जो विभिन्न प्रोग्राम के रूप में है और जिसको किसी न किसी माध्यम से संचालित किया जाता है यानी कि अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है फर्ज कीजिए और उसमें सामान्य परिकल्पना चल संपत्ति के बारे में कहा जाए कि, कि किस प्रकार एक चल संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है या वितरण की जा सकती है तो दो रूप देखने को मिलेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम किसी न किसी युक्ति या डिवाइस का प्रयोग करते हैं चाहे वो सीडी हो डीवीडी हो फ्लॉपी हो या वर्तमान समय में एक और तरीका आ गया है जिसको हम डिजिटल वे कहते हैं अर्थात अब जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को हम किसी पेनड्राइव फ्लॉपी डिस्क या कंप्यूटर या लैपटॉप के सहारे ही एक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं बल्कि हम डिजिटल वे में ईमेल के माध्यम से या एक सामान्य लिंक को बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं ऐसे में क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम माल की संपत्ति के अंतर्गत रखें अथवा ना रखें इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हमको इसकी चारित्रिक विशेषताओं को देखनी होगी जो लोग यह तर्क देते हैं कि एक व्यक्ति या विक्रेता जब दुकानदार के पास जाता है तो वास्तव में वह जो कीमत अदा करता है वो फ्लॉपी के लिए डिस्क के लिए या पेनड्राइव के लिए है यह जो तर्क है यह तर्क विशेष महत्व नहीं रखता है क्योंकि यद्यप कि उसको उस कीमत के बदले विक्रेता द्वारा कोई पेनड्राइव दी जा सकती है सॉफ्टवेयर के लिए कोई फ्लॉपी दी जा सकती है लेकिन व्यक्ति ने जो कीमत अदा की वास्तव में उस फ्लॉपी या डिस्क या पेनड्राइव के लिए नहीं अदा की यदि उसे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लेना है तो उसके अंतर्गत जो रखा या स्टोर किया गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसके लिए अदा की एक पेन ड्राइव के विक्रय के माध्यम से हम देखें तो यह विक्रय दो रूप में हो सकता है या तो स्वयं उस डिवाइस या युक्ति को जिसे हम पेनड्राइव कह रहे हैं उसको खरीदने के लिए यानी कि प्रथम कंडीशन या शर्त ऐसी हो सकती है कि जब आपने कीमत के बदले एक पेन ड्राइव खरीदना चाहा तो पेन ड्राइव आपको माल के रूप में मिली तो निश्चित रूप से चल संपत्ति होने के कारण यह माल की परिभाषा में शामिल है लेकिन यदि आपका उद्देश्य किसी विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदना है तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह पेन ड्राइव में दी जा रही है या फ्लॉपी में दी जा रही है या किसी डिस्क में दी जा रही है आपका यदि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को खरीदना है तो जो आपने कीमत अदा की उस कीमत के बदले आपको वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मिला या नहीं मिला यह महत्वपूर्ण हो जाएगा ना कि यह महत्वपूर्ण होगा कि वह आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किसी कंप्यूटर की फ्लॉपी में मिलता है डिस्क में मिलता है अथवा पेन ड्राइव में मिलता है यानी निश्चित रूप से दोनों अलग अलग हैं यानी कि चल संपत्ति के रूप में जब किसी डिवाइस को क्रय करते हैं तो वह भी माल की परिभाषा में आता है या चल संपत्ति के रूप में जब आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम करते हैं और उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ख़रीदने के लिए किसी डिवाइस को प्रयोग किया जाता है तो वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम भी टी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले के बाद स्पष्ट हो गया कि यह एक प्रकार से चल संपत्ति का भाग है और चल संपत्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है जब हमने इस विषय को शुरू किया तो स्पष्ट रूप से देखा कि दो स्पष्ट प्रावधान कहते हैं कि अनुयोज्य दावा और धन माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा में नहीं आते हैं अनुयोज्य दावा को हमने यहाँ भली भांति समझा अब दूसरा प्रश्न है कि धन को हम क्यों माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत माल की परिभाषा में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि जब माल विक्रय की परिभाषा के अंतर्गत माल की परिभाषा देखते हैं तो इसमें स्पष्ट इस किया गया कि सभी प्रकार की चल संपत्ति माल के रूप में परिभाषित की जा सकती है और धन भारत में धन का अर्थ है सिक्का या रुपया तो चाहे सिक्का हो या रुपया हो दोनों एक प्रकार से चल संपत्ति है दोनों को ही सामान्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जा सकता है तो इसमें कोई संशय नहीं किया चल संपत्ति है तो प्रश्न है कि चल संपत्ति होने के बावजूद भी धन को हम माल की परिभाषा के अंतर्गत क्यों नहीं शामिल करते हैं इसका उत्तर होगा जब आप धारा दो की उपधारा दस को देखेंगे तो स्पष्ट प्रावधान है कि की कीमत का तात्पर्य माल के विक्रय का धन के रूप में होना है यानी कि जब भी आप माल के विक्रय का करार करेंगे अर्थात माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत जब भी आप कुछ भी क्रय या विक्रय करने का करार करेंगे तो जब भी विक्रेता द्वारा क्रेता को कोई संपत्ति माल के रूप में अंतरित की जाएगी तो क्रेता बदले में क्या देगा क्रेता बदले में कीमत देगा और कीमत किस रुपए में देगा कीमत देने का निश्चित रूप से तात्पर्य है कि वह उसका भुगतान धन के रूप में करेगा यानी जब धन ही कीमत के भुगतान के रूप में प्रयोग हो रही है अर्थात संपत्ति में अंतरण के बदले आपको धन को प्रतिफल के रूप में देना है तो उस धन के बदले में आप क्या देंगे अगर इसे माल के रूप में आपने शामिल कर लिया यानी कि यदि हमने कहीं से फर्ज कीजिए धन को यानी रुपए और सिक्के को भी मुद्रा को भी अगर हमने माल मान लिया तो उस माल के बदले आप देंगे क्या कीमत कीमत के बदले कीमत का अर्थ है कि जब आप मुद्रा के बदले मुद्रा देंगे तो यह विक्रय ना होकर के विनिमय के रूप में बदल जाएगा इसलिए तकनीकी रूप से विक्रय की परिभाषा के अंतर्गत जब वस्तुओं का अंतरण होता है तो उसके बदले कीमत का भुगतान होना चाहिए ना कि वस्तु का भुगतान और कीमत का भुगतान धारा दो की उपधारा दस के अनुसार मात्र माल के विक्रय में धन के रूप में ही हो सकता है इसलिए धन को चल संपत्ति होते हुए भी हमने जो इस विषय है इसमें कीमत के रूप में इसको अलग रखा है और इसे माल की संपत्ति में शामिल नहीं किया गया कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुद्रा या जो रुपए हैं वो पैसे हैं वो विभिन्न श्रेणियों के हो सकते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे रुपए हो सकते हैं जिनकी वैधता ना हो अर्थात ऐसे रुपए या सिक्के जो बहुत पुराने हो मुगल कालीन हो पुराने हो जिनकी इस समय कोई वस्तुता कोई हैसियत ना हो यानी जिसे आप कह सकते हैं कि वैध ना हो तो क्या ऐसे जो वैध मुद्रा नहीं रह गए हैं या जो हमारी मुद्राएं जो भारतीय मुद्राओं के अलावा भी जो धन है या विदेशी धन जिसको आप कह सकते हैं मान लीजिए कोई डॉलर है कोई यूरो है या कोई ऐसी मुद्रा जो भारत की मुद्रा नहीं है तो क्या उनको भी हम मानेंगे कि यह चल संपत्ति है अथवा नहीं है तो स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि प्रश्न चल संपत्ति का होना नहीं है भारतीय मुद्रे का भी बारे में ऐसा नहीं माना जा सकता कि यह चल संपत्ति नहीं है भारतीय मुद्रा भी चल संपत्ति तो है लेकिन इस चल संपत्ति का प्रयोग चूंकि हम कीमत के बदले अंतरण के रूप में कर रहे हैं इसलिए हमने माल की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है इसका मतलब यह भी है कि यदि इसका प्रयोग जो भारतीय मुद्रा है इसका प्रयोग कीमत के बदले अंतरण के रूप में नहीं किया जाएगा तो यह चल संपत्ति होने के कारण माल की परिभाषा के अंतर्गत शामिल की जा सकेगी इसीलिए जितनी विदेशी मुद्राएं हैं पुराने सिक्के हैं मुगल कालीन सिक्के हैं मास बनाम हैंका के बाद में निश्चित किया गया कि जो सिक्के अब वैध नहीं हैं जो करेंसी वैध नहीं है जिसमें वैधता खत्म हो चुकी है उनका क्रय और विक्रय किया जा सकता है। अब हमको यह समझना होगा कि माल के प्रकार क्या हैं क्या माल को निश्चित रूप से वर्तमान में ही होना चाहिए या कोई माल ऐसा हो सकता है या कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जो मौजूद ना हो और भविष्य की हो इसलिए अधिनियम की धारा छः में जहाँ वस्तुएं के प्रकारों का वर्णन किया गया है वस्तुओं को मौजूदा वस्तुओं भविष्य की वस्तुओं और आकस्मिक वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया है अर्थात धारा छः के उपधारा एक और उपधारा दो को मिलाकर पढ़ने पर हमें तीन प्रकार की वस्तुएं समझ में आती हैं एक मौजूदा या वर्तमान वस्तुएं दूसरा भावी माल या भविष्य की वस्तुएं और तीसरा जिसे धारा छय की उपधारा दो में परिभाषित किया गया है आकस्मिक वस्तुएं। अर्थात अब हम इस परिभाषा के तहत इन दोनों वस्तुओं को जब अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो मौजूदा माल या जो वर्तमान वस्तु या वर्तमान माल है वो कौन कौन सी वस्तुएँ या माल हो सकते हैं वर्तमान माल या मौजूदा वस्तुओं का अर्थ है कि विक्री का जब अनुबंध किया जाना है उस समय क्या विक्रेता के पास किसी वस्तु का स्वामित्व था और वह वस्तु उस समय मौजूद थी अर्थात जब वस्तु ऐसी हो जब विक्रय के अनुबंध के समय मौजूद हो और विक्रेता का उस पर स्वामित्व हो तब ऐसे मौजूदा माल या ऐसी वस्तुओं को हम मौजूदा माल या वर्तमान की वस्तुएं कह सकते हैं इसको में हम विशिष्ट वस्तुएं सुनिश्चित माल और अज्ञात माल के रूप में अलग अलग रूप से परिभाषित भी किया गया है विशिष्ट वस्तुएं क्या होती हैं या सुनिश्चित माल या अज्ञात वस्तुएं क्या होती हैं इसके लिए संविधा में ही विभिन्न इस खंड के विभिन्न अधिनियम के खंडों के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है जैसे विशिष्ट वस्तुएं धारा दो की उपधारा चौदह में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जिन वस्तुओं की पहचान विशेष रूप से की जा सकती है और अनुबंध के गठन के समय हस्तानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की जाती है उन्हें विशिष्ट वस्तुएं कहा जाता है इसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझने की कोशिश करें मान लीजिए किसी विक्रेता ने किसी क्रेता को कार बेचने की संविदा की और अनुबंध किया कि वह अपने गैराज में खड़ी बहुत सारी कारों में से कुछ कार बेचना चाहता है ऐसे में जब उसके गैराज में बहुत सारी कारें मौजूद हैं तो मौजूद होने के कारण सभी कारों का अस्तित्व तो है और सभी कारों पर स्वामित्व भी है लेकिन ऐसी कारों में विशिष्ट माल या विशिष्ट वस्तु कब होगा या कौन सी होगी इसके लिए इस बात पर सहमति हो जानी चाहिए कि विक्रेता और क्रेता दोनों इस बात से सहमत हैं कि वह अमुक कार कौन सी है मान लीजिए उस गैराज में विभिन्न मॉडल की विभिन्न कारें मौजूद हैं और विक्रेता ने क्रेता से कहा कि वह अपने गैराज में मौजूद विभिन्न कारों में एक विशेष ब्रांड की विशेष रंग की कार बेचना चाहता है अर्थात वहाँ खड़ी कारों में अमुक ब्रांड की सफ़ेद रंग की कार बेचने पर वह सहमत है और जो क्रेता है वह भी उस ब्रांड की सफ़ेद रंग की कार खरीदने में सहमत है तो इस प्रकार यह जो माल हुआ यह जो वस्तु हुई यह मौजूदा वस्तुओं में विशिष्ट वस्तु के अंतर्गत आएगी और ऐसे माल इनमें जब कुछ हिस्सों की पहचान कर ली जाती है और अनुबंध के तहत उन्हें अलग रख लिया जाता है तो हम उन्हें सुनिश्चित माल कहते हैं परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अज्ञात होती हैं यानी जिन वस्तुओं को बेचने के लिए विशेष रूप से अभी पहचान नहीं की गई है उन्हें अज्ञात वस्तु के रूप में शामिल किया जाता है परिभाषा खंड के अंतर्गत जब हम माल के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो धारा छः की उपधारा एक में ही एक भावी माल या भविष्य के माल की चर्चा की गई है और भविष्य के माल को धारा दो की उपधारा छः में प्रावधानित किया गया है अर्थात ऐसे माल जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं और बिक्री के अनुबंध के समय जब विक्रेता या निर्मित या उत्पादित या अधिग्रहित करने का करार करता है तो उसे भावी माल या भविष्य का समान कहा जा सकता है मान लीजिए कि मिस्टर अमित जो कुर्सियों के निर्माता हैं और श्याम ने अमित को एक विशेष डिजाइन की 200 कुर्सी खरीदने या बनाने के लिए आग्रह किया तो करार के समय ऐसी कोई भी 200 प्रकार की कुर्सियाँ मौजूद नहीं थीं लेकिन विक्रेता इस बात पर सहमत हो गया कि जब भी वह भविष्य में दिए गए समय के अनुसार जब उस वस्तु को सप्लाई करेगा तो उसके लिए विशिष्ट डिजाइन की 200 सौ कुर्सियाँ भेजेगा इस प्रकार वर्तमान में यह मौजूद नहीं है लेकिन भविष्य में उसको बेचने का करार है तो ऐसे माल को हम भविष्य के माल के रूप में परिभाषित करेंगे और इसी प्रकार माल यदि संविदा की विषय वस्तु है तो माल के नष्ट होने के क्या प्रावधान होते हैं यह भी हमें समझना होगा क्योंकि मान लीजिए आपने कहा कि माल ही वह विषय वस्तु है जिसको विक्रय के समय होना ही चाहिए और अगर ऐसा हो गया कि विक्रय का अनुबंध हो गया और विक्रय के अनुबंध के पहले ही माल समाप्त हो गया या माल नष्ट हो गया तो उसका संविदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझने के लिए हमें धारा सात और धारा आठ को ध्यानपूर्वक देखना होगा इसमें सबसे पहले धारा सात को जब आप देखेंगे तो स्पष्ट कर दिया गया है कि संविदा किए जाने के पहले अगर माल नष्ट हो गया यानी संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना माल उस समय जब संविदा की गई थी और नष्ट हो गया या इतना नुकसान हो गया है कि संविदा में वर्णन के अनुसूर नहीं रह गया तो इस प्रकार संविदा शून्य हो जाएगी यानी संविदा यदि विनिर्दिष्ट माल के लिए हो और माल नष्ट हो चुका हो या इतना खराब हो चुका हो कि वर्णन के अनुसार ना रहे तो विक्रेता को माल के नष्ट या नुकसान होने का ज्ञान न रहने की दशा में संविदा को शून्य कर दिया जाएगा या शून्य मान लिया जाएगा विभिन्न उदाहरणों में जैसे कोटीरियर बनाम हेस्टाई के बाद में जहाज़ में लदा माल बेच दिया गया और विक्रेता को मालूम ही नहीं था कि जो माल उसने बेचा है वो पहले से ही गर्म होने के कारण खराब हो चुका था और कप्तान ने उसे बेच दिया था ऐसे में ज्ञान ना होने के कारण विशिष्ट माल नुकसान हो जाने के कारण ऐसी संविदा शून्य मानी गई इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण स्मिथ बनाम मेयर्स के बाद में या असफर अली बनाम वाडवेल के बाद में भी हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो धारा साथ है उन स्थितियों में लागू होगी जहां वस्तु या तो चोरी चली गई अथवा सरकार ने विधि के अंतर्गत अर्जित कर लिया है लेकिन उनका वापस होना संभव ना हो दूसरी तरफ विक्रय के पूर्व लेकिन विक्रय का करार कर दिया गया हो तब यदि माल नष्ट होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा इसके बारे में प्रावधान धारा आठ में किया गया है अर्थात जब माल करार के विक्रय के अनुसार और विक्रय के अनुबंध होने के कारण जोखिम संक्रांत होने के पहले ही नष्ट हो जाता है यानी विक्रय के लिए करार हो विक्रय विनिर्दिष्ट माल के लिए किया गया हो माल इस प्रकार नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जिसका संविदा के अनुसार वर्णन न हो विक्रेता अथवा क्रेता के किसी ज्ञान और उसकी बिना कसूर के यदि जोखिम संक्रांत होने के पूर्व चला जाता है तो ऐसे में भी संविदा नष्ट हो जाती है इसके भी विभिन्न उदाहरण हावेल बनाम कूपलैंड और टेम्पेस्ट बनाम फिट्जरलैंड के बाद में हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार अब सारांश रूप से हम इसको जब निष्कर्ष के रूप में समाहित करते हैं तो हम यह देखते हैं कि आज के इस सत्र में प्रथम व्याख्यान में हमने यह जानने की कोशिश की कि वस्तुओं और अधिनियम की धारा दो की उपधारा सात के अंतर्गत माल की परिभाषा क्या है माल में शामिल होने के लिए कौन कौन से चरित्र होने चाहिए इसके बाद कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमेशा से विवाद का विषय रहीं जैसे बिजली कंप्यूटर प्रोग्राम और अन्य बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनको लेकर विवाद रहा कि हम माल में शामिल करें या ना शामिल करें इन विषयों से भी आज के व्याख्यान में हमने इसको अध्ययन किया और इसके बाद जब हम इसमें माल के विक्रय से संबंधित प्रावधानों को देखेंगे तो माल की विषय वस्तु के रूप में होने के कारण विक्रय की संविधा किस प्रकार प्रभावित होगी और माल में इसका क्या महत्व या विक्रय की संविधा में माल का क्या महत्व होगा इसे इसके बाद निश्चित रूप से आप समझने में दक्ष हो जाएंगे ऐसी आशा है धन्यवाद Hi, my name is Gillette Sam and I teach sociology at IIT Kanpur. Uh, I am here to tell you a little bit about how we can think about globalization in a sociological manner. Now, uh, one of the important concepts in the field of globalization uh, and particularly global studies is that of global flows. It is a term that was developed by uh, the, soci uh, the sociologist and anthropologist uh, Arjun Appadurai. He said that as the world is becoming a more and more global place, you increasingly see the movement of different types of things, uh, both tangible and non tangible, across multiple national borders. Um, to begin with, uh, you can look at how your day proceeds. I often need a cup of tea to actually start my day. Now, if you think about it, uh, tea that we dr drink is not something that is uh, uh, that originated in India. It's actually a drink that comes to us from uh, quite far away in China. Uh, so, and this is something that has happened uh, not immediately, but it has happened uh, 400 or 500 years ago. Um, so, this kind of movement actually happened uh, with the movement of people. Now, uh, this kind of movement of people and goods is one category of flows that Apadurai talks about. A second category of flows could be financial flows. Uh, and a good uh, way to think about this is. The kind of volatility that you can see in economic markets today. Uh, for instance, in 2008, uh, 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 the whole world experienced a, a very serious economic jolt. Um, developments in the country of Iceland had a, a huge repercussion across many, many countries in the world. Now, that gives you an indication of the kind of financial flows. Uh, that are a part of globalization. So we are not only talking about money flowing from place to place, but also financial decisions uh, made in one place having an impact on other parts of the world. Appadurai also argues that there is a third category of flows, which he refers to as the flow of images or media. Now, this is something that uh, I'm sure you're quite used to. Uh, much of the programming that you watch on television today, for instance, uh, you may actually be watching uh, channels that uh, you know uh, have originated uh, or programming that's originated elsewhere. Uh, more than that, it could also be that the programming that you see today uh, is influenced by shows that have originated abroad. Similarly, you can have content that was made in India. Uh, which makes its way to uh, other places in the world. Uh, for instance, we know that Bollywood films are extremely popular uh, in many countries across Africa. Uh, so this kind of movement of media is, uh, you know, Apadurai considers it to be an important part of globalization. He, t the fourth category that he talks about, uh, is the movement of ideas. So. Uh, this means that uh, ideas that are popular in one part of the world uh, are not restricted to that part alone, but they actually travel across borders. Uh, so, for instance, um, something that uh, you may read about in the papers uh, uh, would be, say, events such as uh, gray, uh, gay pride events. Now, uh, gay pride events uh, have their origin. Uh, in places like New York. Uh, but the idea that there should be equality uh, uh, between people, irrespective of what their sexual preference is, that is an idea that uh, has now become um, popular across the world. Uh, and so that is that's the fourth category of flows that he referred to. Um, the fifth category of flows that uh, Apadurai talks about is that of technology. Uh, an easy way to think about this is, uh, let's say tomorrow there is news announced that uh, you know Apple is going to release you know iPhone seven. Uh, as you can anticipate, there is going to be a lot of excitement in many parts of the world, and people are going to start queuing up, waiting for those products to actually come to their country. So, uh, you know, technology is something that is quite exciting and uh, really moves across uh, various national borders.